हिमाचल से, जहां पर सोलन में दर्दनाक हादसा हुआ है। जी हां, सोलन में दर्दनाक हादसा हुआ है। बारिश के कारण इमारत ढह गई और हादसे में 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। 10 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन अपने चरम पर है। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, सोलन में ये दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर बारिश के कारण बहुमंजिला इमारत ढह गई, जिसमें लोग भी थे। और साथ ही आपको बता दें, इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से अधिक लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। 30 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं घटनास्थल की, जहां पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और जो लोग दबे हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एम्बुलेंस भी यहां पर पहुंची है ताकि प्राथमिक सेवाएं भी दी जाए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, 30 लोगों का हालांकि अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 10 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। बारिश के कारण ये इमारत ढह गई है। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, बारिश के कारण ये इमारत ढह गई और इसके ढहने से 9 लोगों की अब तक मौत हो गई है। 30 लोग जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 10 से ज्यादा लोग अभी भी दबे होने की यहां पर आशंका है कि अभी भी 10 से ज्यादा अधिक लोग दबे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीमें आप देख सकते हैं मौके पर किस प्रकार से राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। 10 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, 10 से अधिक लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। हिमाचल के सोलन में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि सोलन और शिमला में जितनी भी इमारतें हैं, नगर निगम की बात कर ली जाए या फिर दूसरे विभागों की बात कर ली जाए, अक्सर इन इमारतों को लेकर आदेश दिए जाते हैं, लेकिन आदेशों की अनुपालना नहीं हो पाती है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो करीब 12 से 13 घंटे हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अगर बात की जाए रेस्क्यू टीम के द्वारा घायलों को निकालने की, तो अभी तक करीब 18 लोगों को निकाला गया है, जिसको सेफ निकाला गया है। उसमें से 7 कैजुअलिटी पाई गई है और ये अधिकारी के तौर पर एक डीसी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये पुष्टि करते हुए बताया है कि इसमें करीब 42 लोग थे, जिन्हें अभी तक 7 से 8 लोगों को अभी निकालना बाकी है। जी योगेश, इस बिल्डिंग में वैसे अगर जानकारी की बात की जाए तो कितने लोग उस समय मौजूद थे? इसके अलावा कितनी मंजिला ये इमारत थी? हालांकि बात अगर सोलन और शिमला की जाए तो बार बार नगर निगम की ओर से भी यहां पर इन इमारतों को लेकर आदेश दिए जाते हैं, लेकिन लोग भी उनकी अनदेखी करते हैं। जी बिल्कुल, अगर इमारत की बात की जाए तो ये 3 मंजिला इमारत थी और इसमें करीब 10 से 15 लोग इसमें बैठे थे और जो उसके साथ लगता था ढाबा था उसमें भी जो आर्मी के जवान लंच करने के लिए रुके थे वो इसमें 30 से 32 लोग उसमें भी बैठे थे। अगर बात की जाए मॉक ड्रिल की, तो आपको याद होगा इससे पहले आपदा को लेकर एक मॉक ड्रिल भी की गई थी और जो आपदा को लेकर मॉक ड्रिल की थी उसके बाद अगर प्रशासन की ये पोल खुली है कि आपदा के समय भी इस तरह का हादसा होना, ये बहुत बड़ी बात है। जी हालांकि कल ये हादसा हुआ है, जानना चाहेंगे आपसे ये कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से चला है या फिर तेजी से चला है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 13 घंटों से लगातार चल रहा है और अगर बात की जाए एनडीआरएफ और आर्मी की टीमों की, तो वो डटे हैं, 13 घंटों से लगातार इस ऑपरेशन में डटे हैं और जितना जल्दी हो सके वो उसे निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी योगेश शर्मा, कितनी टीमें यहाँ पर मौजूद है अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? अगर बात की जाए बटालियन की, तो कसौली, छावनी, सुपाटू और सुनी से एनडीआरएफ और जो एनडीआरएफ की टीमें वो यहाँ पे मौजूद है। लगभग अगर बात की जाए 400 के करीब यहाँ पे लोग मौजूद है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं। जी जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है, जानना चाहेंगे आपसे कि प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है, कितना समय उन लोगों को निकालने में लग सकता है? इसके अलावा क्या कुछ चुनौतियां अभी प्रशासन के सामने रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं? अगर मौके पर पहुंचे डीसी की बात को कहा जाए तो उनका कहना है कि जो इस हादसे में मलबे में दबे लोग हैं वो कुल 42 थे और अगर मलबा ज्यादा है इस कारण अगर जो सेफ लोग हैं उनको निकालने की कोशिश आराम से की जाए तो करीब 4 से 5 घंटे और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकते हैं ताकि जो लोग हैं उन्हें सेफ निकाला जाए। फिलहाल जो अभी इतना टाइम हो चुका है कुछ कह नहीं सकते, वो जिंदा भी है या कुछ
कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। जी जी बिल्कुल, और उम्मीद हम यही करेंगे कि जो भी हो सब सही सलामत हो। इसके अलावा जो घायल हुए लोग हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या उनकी हालत अभी कैसी है, क्या उनसे आपकी बात हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है, कैसे हादसा हुआ? जी बिल्कुल, अगर बात स्थानीय लोगों की जाए तो वो पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ पे जो होटल जो ये बन रहा था उसके नीचे एक डंपिंग साइट हुआ करती थी, और जो लोग थे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मलबा धंसने के कारण और सड़क धंसने के कारण ये बिल्डिंग बैठी है, और यही कारण है कि जो भारी बारिश हुई है उसके कारण ये बिल्डिंग हादसे के शिकार हुई है। जी तो बारिश के कारण कहीं ना कहीं ये इमारत हादसे का शिकार हो गई है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन किन टेक्निकल पॉइंट्स पर किया जा रहा है? अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला है, और अगर बात की जाए रेस्क्यू ऑपरेशन की तो तीन से चार मशीनें अभी भी वहां लगी है। मलबा को हटाया जा रहा है ताकि जो है जो लोग उसमें फंसे हैं या दबे हैं उन्हें आसानी से निकाला जाए। चश्मदीदों से आपकी अगर बात हो पाई हो, इसके अलावा जो घायल जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, या फिर उनके परिजन या परिवार वाले जो इस इमारत में मौजूद ना हो, क्या वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? फिलहाल अभी तक तो यहाँ कोई नहीं पहुंचा है, अगर वो पहुंचे भी हो तो वो हॉस्पिटल में है। फिलहाल थोड़ी देर बाद वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले, मौके का जायजा लेने आने वाले हैं। जी अभी जिस प्रकार से कि आज सीएम जयराम ठाकुर भी यहां पर पहुंचेंगे, हालांकि कल उन्होंने संज्ञान भी इस खबर पर ले लिया है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद हैं? अभी अगर प्रशासनिक आलाकमान की बात की जाए तो डीसी, एसपी, एएसपी समेत एसडीएम जितने भी तहसीलदार है सोलन डिवीजन के, वो सारे यहाँ मौजूद है, और आला अधिकारियों की तो सारा जो सोलन का पूरा प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है। जी योगेश शर्मा, अगर जिस हिसाब से यहाँ पर पहाड़ों की बात की जाए तो अक्सर जो स्थानीय लोग हैं वो शिकायत करते रहते हैं कि सड़कें बनाने के लिए या फिर इमारतें बनाने के लिए पहाड़ों से छेड़छाड़ की जाती है, और उसका भी ये एक नज़ारा भी है, और ऐसे में प्रशासन को और भी ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो कि अभी भी ढहने की कगार पर है, बात अगर सोलन और शिमला की खास तौर पर की जाए तो। जी बिल्कुल, प्रशासन को जो है वो बार बार ये आदेश देता है प्रशासन की जो आपकी बहुमंजिला बिल्डिंग है उसे बंद किया जाए ताकि किसी हादसे का शिकार ना हो, लेकिन जो लोग हैं वो इन सब बातों पर गौर नहीं करते और जो आने वाले समय में वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। जी नगर निगम की ओर से क्या कुछ कदम इसको लेकर उठाए गए हैं, क्योंकि नगर निगम का भी इस पर कहीं ना कहीं ढीला रवैया नजर आता है, क्योंकि बात अगर भू वैज्ञानिकों की करें तो उनका भी ये मानना है कि शिमला और सोलन की कई ऐसी इमारतें जो आपदा आने पर ढह सकती हैं। जी बिल्कुल, अगर नगर परिषद, अगर आपको मैं बता दूं तो सोलन में नगर निगम नहीं नगर परिषद है, तो उनके अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि यहाँ पे पहले भी लोगों को सचेत किया जा चुका है कि अवैध निर्माण मत करें, जितना हो सके जो जितनी बिल्डिंग सेफ रह सके उतना ही आप निर्माण करें ताकि कोई हादसा ना हो। जी क्या सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उठाए गए इस दिशा में कदम पूरे होते नजर आते हैं? जी अभी तक तो अगर आप देखें जिस तरह से हिमाचल में बारिश का कहर है, जिस तरह बिल्डिंगों में ढहना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर सोलन में अभी भी जो लोग हैं वो 6 से 7 मंजिला, 4 से 5 मंजिला जो अपनी बिल्डिंग है उसको अवैध निर्माण करते हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जी जी योगेश, और अभी कितनी इमारतें ऐसी हो सकती हैं जिनके साथ कुछ ऐसा हादसा आने वाले भविष्य में हो सकता है, क्या इसकी जानकारी अभी आपके आपके पास है, यानी कि अवैध इमारतों की मैं बात कर रहे हो? जी अगर सोलन में अवैध इमारतों की बात की जाए तो 16 से 17 ऐसे अवैध बिल्डिंग है सोलन शहर के, और सोलन शहर में जो NH के साथ लगते रोड है जो आपदा का कभी भी शिकार हो सकते हैं, जो अभी तक पुख्ता जानकारी मिली है। जी जी योगेश, अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कितने लोग यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं, कितनी टीमों के कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में आपसे भी जानना चाहेंगे, पहले भी पूछा था टेक्निकल पॉइंट्स क्या है जिनके आधार पर यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है? जी अगर रेस्क्यू टीमों की बात की जाए तो जो आर्मी के लोग है वो करीब यहाँ पे 200 से 300 लोग जो आर्मी के यहाँ तैनात है, जो पुलिस प्रशासन है करीब 100 लोगों की टुकड़ी वो भी यहाँ मौजूद है, NDRF की टीमें हैं जो वो करीब 50 से 60 NDRF की टीमें भी यहाँ मौजूद है। जी जी तो इसी बीच दर्शकों को ये भी हम बता दें कि 7 लोग हैं आधिकारिक तौर पर जिनकी पुष्टि हुई है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। योगेश शर्मा, क्या कभी इस इमारत को लेकर भी ऐसी खबर आई थी, या फिर कहीं ना कहीं नगर परिषद जैसा कि आपने बताया कि उनकी ओर से भी इस इमारत को लेकर कोई संज्ञान लिया गया हो, या फिर ये अवैध है या फिर गिरने वाली है इसको लेकर उन्होंने कहा हो? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो स्थानीय लोगों का कहना है, उनका कहना है कि यहाँ पे जो होटल बनने से पहले यहाँ डंपिंग साइट हुआ करती थी,
जमीन धंसने के कारण, जो सबसे बड़ा कारण यहाँ बताया जा रहा है वो जमीन धंसना बताया जा रहा है, इस कारण ये बिल्डिंग हादसे का शिकार हुई है। जी योगेश शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हम बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आधिकारिक तौर की अगर बात की जाए तो आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि हुई है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कई लोगों के दबे होने की आशंका भी अभी जताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बारिश के कारण ये इमारत ढह चुकी है। बात अगर सोलन और शिमला की जाए तो कई इमारतें यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अवैध हैं, और प्रशासन की ओर से उन इमारतों को लेकर जनता को सचेत भी किया जाता है, लेकिन लगता नहीं है कि जनता जागरूक है या फिर इन इमारतों को छोड़ना चाहती है। यहाँ पर बारिश के कारण ये इमारत ढह चुकी है और एक बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें अलग अलग कैमरा एंगल से हैं, और इन तस्वीरों के जरिए इस हादसे की पूरी कहानी को आप समझ सकते हैं। आप पहली तस्वीर देखिए, हाईवे से कुछ इस प्रकार से यहां पर तस्वीरें देखी जा रही है, इमारत जो ढही है, मलबा ही मलबा इमारत का देखा जा रहा है। कैमरा 2 में आप देखिए, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, एम्बुलेंस सेवा या फिर प्राथमिक उपचार भी यहां पर दिया जा रहा है। कैमरा 3 से आप देख सकते हैं, ये वाइड एंगल जहां पर इमारत कुछ इस प्रकार से धसी है और यहां पर ये इमारत थी। कैमरा 4 से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।